बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। और आप जानते हैं मेरा नाम है अब्दुल शकूर और मैं ब्रिलियंस इंटरनेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट 1 में हमें पूछा जा रहा है कि z का स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर क्या रिजल्ट आएगा इज अ रियल नंबर। सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, सॉल्यूशन इज हियर, क्योंकि यहां पे z डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास होगा रियल पार्ट प्लस आयोटा एंड कोई और नंबर। जो फर्स्ट नंबर है विदाउट आयोटा दैट इज रियल पार्ट, जो आयोटा के साथ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। और हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें हम बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की और रियल पार्ट की। किसी भी नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो हम उस नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जान रहे हैं जेड लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y व्हिच इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप x और y को रिप्लेस कर सकते हैं a और b के साथ भी, तो हम x और y की टर्म सपोज कर रहे हैं। अब हम लेंगे z कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज x माइनस आयोटा y। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में z स्क्वायर प्लस z conjugate square, therefore z square z conjugate square is equal to z की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे z is x plus iota y whole square then plus z conjugate x minus iota y whole square। यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है टर्म x plus iota y whole square और प्लस एक्स माइनस एटा वाई होल स्क्वायर। हम जानते हैं फॉर्मूला आपने पढ़े हुए हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये फॉर्मूला बन चुका है ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस पे अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, व्हाट इज ए, ए आ रहा है x, व्हाट इज b, b आ रहा है आयोटा y, और यहाँ पे a आ रहा है x, b आ रहा है आयोटा y, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस। यहाँ अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर a square plus b square plus 2 times a into b plus यहाँ भी formula a square plus b square minus 2 a and b। iota square minus 1 y square, तो इसे हम लिखते हैं x square plus iota square y square plus 2x iota y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स आयोटा वाई। पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे टू एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई और आयोटा स्क्वायर वाई में ऐड होगा टू आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे माइनस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन वाई स्क्वायर is equal to 2x square minus 2y square which is real। ये हमारे पास क्या है, real part है। Why real? Because iota is not here, क्योंकि यहाँ पे iota नहीं है। I hope कि आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए क्वेश्चन की तरफ। बहुत शुक्रिया।